अस्सलामुअलैकुम। जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। जी अब दोपहर का टाइम है और मैं बना रही हूँ चावल। तकरीबन 2 बज रहे हैं और बच्चों ने सुबह नाश्ता तो किया था लेकिन कह रहे थे कि भूख लगी है, तो फिर उन्होंने फरमाइश की कि आलू मटर वाले चावल बना दें, तो मैं अभी उनके लिए चावल बना रही हूँ। तो बच्चों मैंने पहले रख दी है, अभी मैं बना रही हूँ गैस के चूल्हे पे। और मैंने तेल भी डाल दिया है और प्याज भी डाल दी है और ये मैंने इसमें चावल भी देके रख दिए हैं। मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जब तक ब्राउन नहीं होते तो इसमें फिर मैं और चीज़ें नहीं डालूँगी। और ये मैंने टमाटर वगैरह सब अच्छी तरह से धो दिए, तो अभी मैं टमाटर काट लेती हूँ। जी ये देखें, ये ब्राउन हो गए हैं। मैं आलू मटर भी इसमें डाल दूंगी। जी ये देखें, ये चावल मेरे बन गए हैं और ये प्लेट वगैरह मैंने रख दी है। और ये देखिए, ये देखें जी चावल हमारे बनकर तैयार हो गए। बच्चों ने शोर किया हुआ है कि खाना है खाना है। जी ये देखिए मैंने पानी डाल दिया है और जब तक ये बॉयल होगा मैं ये चावल फिर धो लूँगी दोबारा, तो फिर ये मैं चावल डाल दूँगी इसमें। जी अभी चावल वगैरह खा लिए हैं और ये कपड़े मैंने कल रखे थे भिगो के, इनको भी धोना है, धोया नहीं है, बच्चों को नहलाया था तो ये कपड़े उन्होंने अभी उतारे हैं, तो इनको भिगो के रखूँगी, इनको धोऊँगी, वो शाम भी होने वाली है, फिर शाम का खाना बनेगा। और इधर मैंने बर्तन भी साफ करने हैं। ये देखें ये चावल बच्चों ने खाए हैं, तो ये बर्तन मैंने अभी साफ़ करने हैं और ये चाय भी बनाई थी, चाय के बर्तन भी साफ़ करने हैं। और अभी चलते हैं थोड़ी देर बाहर, देखते हैं बाहर क्या हो रहा है। ये देखें जी, आज हमने ये किक्कर से लकड़ियाँ कुछ काटी थी, ऊपर से धूप नहीं आती थी और सारा दिन ऐसे बारिश बरसती रहती थी, तो कुछ इधर रखी हैं काट के और कुछ इधर रखी हैं, ये आज बनाने काम आएंगी। और नीचे देखें सारा कचरा गंद फैल गया है और अभी हमने जान झाड़ू लगा रही हैं। ये देखें ये अभी सूखने के लिए इधर रखी है, ये सूख जाएंगे तो फिर इनको काट के ना आग जलाएंगे सर्दियों में। और ये देखें नीचे सारे फर्श का हाल देखें, और इधर हमें जानना वो भी झाड़ू लगा रही है। ये देखें, ये देख कितना सारा गंद हो गया देखें। मौसम काफ़ी अच्छा था, धूप भी निकली है और मैंने बच्चों को भी नहलाया है और बच्चों ने भी देखिए घास काफ़ी सारा काट लिया है बुजुर्ग ने, और फिर दोबारा पीछे से हो रहा है। और ये हमारा लहसुन, इसको भी पानी लगा हुआ है और ये हमारी धनिया भी माशाल्लाह अच्छी हो गई है, लहसुन भी अब थोड़ा थोड़ा ना नज़र आने लगा है।
बहुत ज़्यादा दुख रहा है। काट रहे हैं, मशीन चली हुई है और बहुत अभी बहुत कम दुख है। ये देखिए इसको भूख लगी है और अभी इसको ना घास काट लिया है तो इसको अभी इधर बांधेंगे। अभी शाम का टाइम हो रहा है, ये अपना खाना खाएगी और उसके बाद फिर हम इसका दूध निकालेंगे।